Okay, there you are. Good afternoon. Good afternoon, Hussain. Good afternoon, sir. All of you, videos, chalo karo. Okay. मैंने ना ये जो लास्ट में डिस्कस किया था एक बार फिर से वेलोसिटी डेरिवेशन रिवाइज कर देता हूँ और देन वील गो टू डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन. ऑलराइट, तो वेलोसिटी इक्वेशन वी स्टार्टेड विद एक्सेलरेशन इक्वेशन. वी नो एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, बट ए कैन बी रिटन एज डीवी बाई डीटी एंड दैट इज नथिंग बट डीवी बाई डीएक्स इनटू डीएक्स बाई डीटी. सो ए के बदले डीवी बाई डीटी, दैट इज डीवी बाई डीएक्स इनटू डीएक्स बाई डीटी इक्वल टू माइनस ओमेगा. But dx by dt is v, so that is v dv by dx into v equal to minus omega square x. Therefore, v dv equal to minus omega square x dx. Integrating both sides, we got integration of v dv equal to integration of minus omega square x dx. Minus omega square ko baar le. Integration of v dv is v square by 2 equal to minus omega. Maine bataya tha x dx or v dv. X square by 2 of plus c1, where c1 is constant of integration. इसको निकालने के लिए वी नो द कंडीशन, वी नो दैट व्हेन x इक्वल टू प्लस और माइनस ए वी इक्वल टू 0, दिस वी सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन ए. तो 0 स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस और माइनस ए का होल स्क्वायर बाय 2 एंड देयरफॉर 0 इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 2 प्लस c1. c1 का आंसर ये आया. दिस वी सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन ए. तो v स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर बाय 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाय 2. 2 गेट्स 2. So v square equal to omega square a square minus x square. V answer. This is the answer which you have to learn by heart. Jitu. Oh, yes, Jitu. Sir. Yes, sir. Am I of a ring? Yes, sir. So am I of a ring is mr square. And the disc. Disc is mr square by 2. Solid sphere, favorite. Sir, 2 by 5 mr square. And hollow sphere. So 2/3 mr square. And rod wo bhul gaye, puri class yaad kare is baare mein. Rod ka about an axis perpendicular to its length and passing through its center is ml square by 12 and about n ml square by 3. Don't forget that. Okay, ye hone ke baad ab main isko mitai deta hu aur hum badhte hain aage aur hum log एक ब्रीफ रिवीजन ऑफ व्हाटएवर यू हैव डन टिल नाउ सो दैट यू नो. और बीच बीच में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे. कोनिन कुरैशी, आर यू देयर? से यस नो. ये हुई कुछ बात, ये कुछ अच्छे बच्चों जैसी बात की है तुमने. ओके, एक बार फिर से आपके सामने ये चैप्टर का ब्रीफ समरी. बीच बीच में मेरे क्वेश्चन आएंगे और जैसे ही नाम लूंगा आंसर दोगे आप लोग. सबसे पहले मैंने आपको बताया था पीरियोडिक मोशन. पीरियोडिक मोशन क्या था उसका? अरे ओ उसका, यस सर. पीरियोडिक मोशन क्या था? एनी मोशन विच उसका आंसर ही नहीं दिया कभी भी. व्हाट इज पीरियोडिक मोशन? आती है पूरी, पता नहीं कहां ब्लैक ना हो तुम. मेरे को तो लगता नहीं इतनी ब्लैक हो तुम. एनीबडी कैन सी हर ऑन वीडियो? अरे कोनन, कैन यू सी हर वीडियो? कोनन, यस सर. कोनन कुरैशी, मोशन व्हिच रिपीट्स इटसेल्फ सर. शी इज बीन सीन इंटरवल्स.
तुम्हारा वीडियो का कोई तैयारी करो, आई कांट. ओके सो इसके बाद हमने लिखा था मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ एसएचएम. आलोक गुप्ता, व्हाट वाज मैथमेटिकल डेफिनेशन एफ और एक्स के बीच में फॉर्मूला? आलोक गुप्ता, आलोक गुप्ता. हाँ सर, हाँ सर, हूँ सर. मैं निकल दूंगा आलोक, मैं आई डोंट लाइक दिस वेस्ट ऑफ टाइम. अरे सर मैं म्यूट करना भूल गया सर, मैं वैसे बोल रहा था. सर f प्रोपोर्शनल टू x एंड f इक्वल टू सर x माइनस k x. वेयर k इज व्हाट? फोर्स कांस्टेंट. दैट इज राइट. उसके बाद मुझे सिडानी. Oh, yes, Sidani. Yes, yes. What is the unit of force constant? Newton per meter. That's lovely answer. That's like a good girl. And then after that, we have taken differential equation of SHM. Oh, mystery. Differential equation, bata kya tha? Oh, mystery. Yes, sir. What was differential equation of SHM? Hello. हाँ बोल. एनी रिपीट क्वेश्चन? अरे क्या रिपीट. विधि भट्ट सर, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के अपॉन एम इनटू एक्स इक्वल्स टू जीरो. मैं रिपीट कोई बोलेगा? देखो विधि ने कैसे आंसर दिया. आई नॉट रिपीटेड एनी क्वेश्चन. दैट क्लियर? Yeah, so this is differential equation. And now I am going to ask, what is the Murtaja equation of acceleration? Murtaja? Yes, sir. Equation of acceleration. So A equals to omega minus omega square x. A equal to minus omega square. That's the answer. All of you agree? Are Ritika? Yes, sir. Is this right or wrong? Murtaja, sir, A equals to minus omega square x. It's A square minus omega. A equal to minus omega square x. Then velocity ka answer nikala. Velocity ka answer mujhe batayega. हुसैन दागिना. यस सर. वेलोसिटी का आंसर बोल. वेलोसिटी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. दैट्स द आंसर. दैट्स द बेस्ट आंसर. नाउ वी गो फॉर डिस्प्लेसमेंट. नाउ वी गो फॉर डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन. अरे मुझे बताओ जीतू, ओमेगा स्क्वायर किसके बदले रखा था हमने? ओमेगा स्क्वायर. हाँ किसके बदले रखा था सर? डीवी बाय डीएक्स इनटू डीएक्स बाय डीटी. दैट्स वेरी बैड आंसर. रितिका, ओमेगा स्क्वायर किसके बदले रखा था? के अपॉन एम. बस. अरे जीतू तुम क्या कर रहे हो यार? के अपॉन एम वी हैड रिटन एज ओमेगा स्क्वायर. ये सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो तुम किधर घुस रहे हो. ओके now we'll go for displacement equation. Ritika, good answer. मैं ये आसिफ वगैरह को कम पूछता हूँ. मुझे पता है आसिफ अफीफ ये लोग फटाफट आंसर देने वाले लोग हैं. फिर मुझे सबको पूछना चाहिए क्वेश्चन. डिस्प्लेसमेंट पे जाने के पहले देयर आर सर्टेन इक्वेशन विच यू नो. इसको क्या बोलते हैं? इसको एनीबडी नोस? इसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन. That's right. Integration of dx upon root of a square minus x square is nothing but
ये फॉर्मूला सर सिखाएंगे आपको तभी आ जाएगा साइन यूनिट्स ऑफ एक्स अपॉन ए. ऑलराइट, रिमेंबर इंटीग्रल ऑफ डीटी इज टी और इंटीग्रेशन के एंड में कांस्टेंट आएगा, इस बार कांस्टेंट होगा प्लस सी टू, वेयर सी टू इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन ऑफ डीटी इज टी, ये ध्यान रखना. ओके, देन रिमेंबर वन थिंग, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम विच पोजीशन ऑलवेज, एनीबॉडी कैन टेल मी पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम विच पोजीशन, मीन पोजीशन राइट और लेफ्ट, किधर से स्टार्ट करता है मीन? So from extreme position. No, I'll tell you. The particle starts from anywhere along the path length. यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, कहीं से भी start करता है. Suppose एक बार अफीफ पहली बार particle से मिलने गया. जब उसने पहली बार देखा, यानी जब t equal to zero, उसके लिए particle suppose यहाँ पे था, तो उसके लिए x zero was zero. Suppose जब अपना जीतू गया, जीतू जाके देखा particle को पहली बार, तो उसने देखा पार्टिकल यहाँ पे था, तो फॉर हिम स्टार्टिंग पोजीशन विल बी माइनस, लाइक दैट. इट कैन बी एफ यहाँ देखा मिडवे, तो एक्स जीरो विल बी माइनस ए बाय. इट डिपेंड्स ऑन वेयर द पार्टिकल वाज व्हेन इट वाज ऑब्जर्व फॉर द फर्स्ट टाइम. इट कैन बी एनीवेयर अलोंग द पाथ लेंथ. सो इट इज नॉट कंपल्सरी दैट पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम न्यू पोजिशन ओनली, इट कैन स्टार्ट एनीवेयर. ये ध्यान रखना. अगर हमको पता नहीं है कि पार्टिकल ने कहाँ से स्टार्ट किया, तो हम लोग बोल सकते हैं लेट एट टी इक्वल टू जीरो x equal to x zero. मतलब for Afif x zero will be zero. For Jitu x zero will be minus a, like that. Alright, it will differ. So it can be anywhere along the path length. अगर पता नहीं तो ये ध्यान. Let x equal to zero, x equal to x zero. अच्छा, anybody can tell me what is sine inverse of half? कितना होता है? Sine inverse of half कितना होता है? Maths वालों, angle कितना होता है? For what angle 45 degrees. 30 degrees. And what is sine inverse of root 3 by 2? Kitna hota hai? 60. That's right. And you know one thing, sine inverse of something is some angle. So, agar kuch aisa figure hoga, aur iska ye value malum to answer malum. Value malum to answer. Value nahi malum to answer assume. Let it be equal to delta. पता नहीं अभी क्या है, तो हम लोग इसको डेल्टा मान लेंगे. विद दिस आइडिया इन माइंड, लेट अस स्टार्ट विद डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन. लेट अस स्टार्ट विद डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन. ऑलराइट, तो हम स्टार्ट करते हैं डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन फ्रॉम वेलोसिटी इक्वेशन. वेलोसिटी का अगर पॉजिटिव साइन लो, तो व्हाट इज वी का फॉर्मूला? वी का फॉर्मूला अगर पॉजिटिव साइन के साथ, मुझे वी का फॉर्मूला सिडानी बताओ. सिडानी a square minus x square. Therefore, dx upon root of a square minus x square will be omega dt. Integrating both the sides. Integrate करेंगे तो क्या आएगा? Integration of dx upon root of a square minus x square equal to integration of omega dt. And what is the integration of this? Iska answer hai sin inverse of x by a. Jab maine bataya aapko sin inverse equal to omega ko bahar liya, integral of dt will be t plus c2. Where what is c2? Where c2 is constant of integration. Isko bolte hai equation b. Let at t equal to 0 x equal to x zero. अब पता नहीं हमको x zero कुछ भी हो सकता है. अफीफ होगा तो x zero zero, जीत होगा तो x zero minus a, like that. Substituting. And therefore क्या आएगा? Sin inverse of x zero by a, x के बदले x zero लिखते हैं, equal to omega into zero
plus C2. Therefore, C2 equal to sine inverse of F0 by A. Let sine inverse X0 by A be equal to what? Kya loon bolo? Anybody can tell me? Some hint agar aapko yaad aa rahe to. Iska kya naam de do? Delta. That's right. Who was that? Kiski awaaz thi hai? Sidani. Sidani, very good. Bahut acha Sidani. C2 equal to delta. This is substituted in B. Bahut acha Sidani. I'm proud of you. Tum late aayi ho, lekin fatafat pick up karogi. Therefore, sine inverse X upon A equal to omega t plus delta, and therefore X upon A equal to sine omega t plus delta, and therefore X equal to A sine omega t plus delta. Ye raha equation aapke samne, isko bolte hain displacement equation, ise kehte hain displacement equation. All right. एक बार फिर से entire derivation. अगर मैं पूछा ना, come on tell me displacement equation, तो आपको बोलने का x equal to a sine omega t plus delta. कौन है? Come on tell me displacement equation. कौन है कुरेशी? A sine ut plus जागो 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 बच्ची, क्या आंसर दे रही हो तुम? x equal to a sine omega t plus delta. बोल. x is equal to a sine omega t plus delta. हाँ, क्या ऐसे थोड़ी मैं एक एक वर्ड सिखाऊंगा, ऐसे बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. सॉरी सर. नींद में हो? नहीं, अभी भी नींद में हो? सुबह भी नींद, दोपहर को भी नींद? नहीं. तुम्हारा बेस्ट टाइम कौन सा है पढ़ाई करने का? रात को 2 बजे, 2 से 4 लेक्चर रखते हैं रात को. चलो ओके, एक बार फिर से देखो. डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन वी स्टार्ट विद वेलोसिटी इक्वेशन v इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x. ये फॉर्मूला हमको पता है, लेकिन प्लस माइनस के बदले प्लस ले लेगा. v इज dx / dt, इज सेम थिंग. dx upon root of a square minus x square is omega d, integrating both sides. So integration of dx upon root of a square minus x square, integration of omega dt. This is nothing but a formula मैंने पहले से ही दिया, sine inverse of x by a. ये MN sir सिखाएंगे आपको, जब मैथ सिखाएंगे तो मैथ में इंटीग्रेशन करेंगे. इंटीग्रेशन ऑफ dt is t, तो इंटीग्रेशन ऑफ omega dt will be omega plus t2, where c2 is constant of integration. Equation number b. Let at t equal to 0, x equal to x0. हमको पता नहीं पार्टिकल ने कहां से स्टार्ट किया. हम लोग बोलते हैं let at t equal to 0, x equal to x0. Substituting b. Therefore, क्या आएगा? Sine inverse of x0 upon a equal to omega into 0 plus t2. Therefore, c2 का आंसर क्या आया? Sine inverse of x0 by a. But sine inverse of something is always some angle. So let this angle be delta. Therefore, c2 equal to delta. This we substitute here. Therefore, sine inverse of x upon a, substitute this in B. Therefore, sine inverse of x upon A equal to omega t plus delta. Therefore, x upon A equal to sine of omega t plus delta. Therefore, x equal to A sine omega t plus delta. चलो एक बार गुद दिया, देख लो, screenshot लेना ही ले लो, देख लो फटाफट अच्छी तरह. I am going to ask questions. अब हम मिटाई देते हैं इसको, सबको मिटाई देते हैं. अब हम क्वेश्चन पूछने वाले हैं, सब लोग तैयार हो जाओ. कोई भी बोलेगा ना सर रिपीट, तो देयर इज नॉट अलाउड, सिंपली नॉट अलाउड कि सर क्वेश्चन वापस रिपीट करो. उसके बाद अगर अगला स्टूडेंट विदाउट रिपीटिंग आंसर देता है तो
जो पहले वाला स्टूडेंट है उसको पनिशमेंट मिलेगा, कुछ ना कुछ कंपलसरी इम्पोजिशन दूंगा लिखने के लिए, इसलिए ध्यान से सुनो, कोई बोले ना सर रिपीट करो वापस क्वेश्चन, दैट इज नॉट गुड। ओके अब है ना, हमको ऐसा क्वेश्चन है, फाइन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ, दिख रहा है ना पूरा, वैल्यूज ऑफ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। देखो मैं यहां पे करके बताता हूं, यहां पे एक्सेलरेशन, यहां पे वेलोसिटी, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। अच्छा मुझे एक बार बताओ ना, ये कौन बताएगा, जब x इज जीरो हुसैन पार्टिकल क्या होता है, x इक्वल टू जीरो तो पार्टिकल क्या होता है, हाँ क्या होता है, सेंटर, सेंटर पे होता है, एट द मेन पोजीशन बोल सकते हो। ओके मुझे वैष्णवी, वैष्णवी यस सर, व्हेन x इज प्लस ए पार्टिकल क्या होता है, व्हेन x इक्वल टू प्लस ए वेयर इज द पार्टिकल, माइनस ए, अरे व्हिच पोजीशन, राइट एक्सट्रीम, प्लस ए यानी राइट एक्सट्रीम पे, लेफ्ट माइनस ए यानी लेफ्ट एक्सट्रीम पे होता है, वो ध्यान रखो। ओके सपोज अभी ए का फॉर्मूला, वी नो व्हाट इज ए का फॉर्मूला, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, रिमेंबर व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो दैट इज एट मीन पोजीशन, व्हाट इज एक्सेलरेशन, माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू जीरो व्हिच इज जीरो, देयरफॉर ए मिनिमम इक्वल टू जीरो at mean position. Now, when x equal to plus or minus a, that is at extreme positions, what is a equal to? Minus omega square into plus minus a. So, therefore, a equal to minus a plus. This is maximum. And therefore, what is maximum value of acceleration? Magnitude ओमेगा स्क्वायर। इसी बारे में फोर्स का भी मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं, व्हाट इज एफ इक्वल टू मा, देयरफॉर व्हाट इज एफ मैक्स इक्वल टू एम इनटू ए मैक्स, बट ए मैक्स इज ओमेगा स्क्वायर, एनीबडी कैन टेल मी इसके बदले में एक वर्ड क्या लिख सकता हूँ, एनीवन, चलो आसिफ, तुमको भी इंक्लूड कर रहा हूँ, आसिफ आफिफ, इसके बदले मुझे एक सिंगल टाइटल लिखना है, एनीवन, कोई नया स्टूडेंट आएगा तो मजा आएगा एकदम, आई लव इट, एक सिंगल एम ओमेगा स्क्वायर के बदले एक वर्ड लिखना है खाली, आसिफ, हु इज दैट, हु दैट सेड दैट के, ओम बोला, ओम के कौन बोला, के, दैट्स वेरी गुड आंसर, बिकॉज यू रिमेंबर के अपॉन एम इज व्हाट, K upon m क्या होते हैं, omega square, and therefore what is k equal to, m omega square, so m omega square के बदले k रहे k, so f max is k, अबे ना अब मेरे क्वेश्चन सुन लो, मैं बोलूँगा what is the maximum value of acceleration, तो आपको बोलने का omega square a, मैं बोलूँगा what is the maximum value of force, तो बोलने का k, तो बोलने का के क्या है, तो बोलने का के बदले वी कैन राइट एम ओमेगा स्क्वायर। चलो लेट मी आस्क अस्का, अस्का तो काला काला स्क्रीन लेके आती है, कुछ दिखते नहीं, अस्का यस सर, एफ मैक्स क्या है, एफ मैक्स एम ओमेगा स्क्वायर ए, ये तो खोई रहती है एकदम, क्या m omega square a, that's right, और एक वर्ड में बोलना है तो k, that is right, और हो कहाँ पे तुम, तुम perfectly black body, laptop क्या, तो my laptop is not working properly, अरे तो phone पे, I don't like this, नेक्स्ट टाइम तक मेरे को लैपटॉप ठीक हो, नहीं तो मैं क्लास में से निकाल दूंगा, आई डू नॉट लाइक, हाँ चलो इसके बाद हम लोग कहते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी,
वेलोसिटी का आंसर भर्गेश। ओ भर्गेश, यस सर। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दैट्स लवली आंसर। आई लाइक भर्गेश का समटाइम्स गिव वेरी गुड आंसर, समटाइम्स वेरी बैड आंसर, बट दिस इज अ वेरी गुड आंसर। फिर भी व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो पार्टिकल कहां होता है? व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो पार्टिकल कहां होता है हुसैन? द सेंटर मेन पॉइंट। दैट इज राइट। मिड पॉइंट के बदले उसको बोलने का मेन पोजिशन। क्या बोलते हैं? मेन पोजिशन। Therefore, what is v equal to? Plus minus omega root of a square minus 0 square. Therefore, velocity equal to plus minus omega a. Therefore, v max magnitude of velocity omega a. This you should know. V max ka antar kabhi pucho omega a. A max bolega omega square a. F max ka? Itna fatafat answer dona ki main ghabra jaun ekdam ki bolo kya chal raha hai class mein, ho kya gaya class ko? Aisa hona chahiye. When x equal to plus or minus a, Conan, अरे ओ Conan, yes sir. When x equal to plus or minus a, particle कौन से position पे है? ओ Conan Qureshi, at two ends. हाँ? At two ends. Two ends, that is right. उसको बोलते हैं extreme positions. That's the right answer. Extreme positions. So what is v equal to? Plus minus omega root of a square minus x square, मतलब plus और minus के लिखेंगे तो उसका a square. That is plus minus omega into zero. Therefore v minimum equal to zero. ये रहा answer. अबे ना, मैं क्या करता हूँ? एक line में आपको दिखाता हूँ कि कहां पे क्या है। ये सपोज पाथ लेंथ है, ये सपोज मेन पोजीशन है, ये राइट एक्सट्रीम है और ये लेफ्ट पुश है। यहाँ पे वेलोसिटी और यहाँ पे एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज जीरो हियर, वेलोसिटी इज ओमेगा ए हियर, एक्सेलरेशन इज प्लस ओमेगा स्क्वायर ए एंड दिस विल बी माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड दिस विल बी प्लस ओमेगा स्क्वायर ए। एक मिनट, प्लस एंड वेलोसिटी क्या होगी? इधर ओमेगा है, यहां पे जीरो, यहां पे जीरो। दिस इज व्हाट यू हैव टू नो। वेलोसिटी मैक्सिमम मीन पे होती है, एक्सेलरेशन मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशंस पे होता है, लेकिन अपने को मैग्नीट्यूड बोलने का ओमेगा स्क्वायर ए। और एफ मैक्स, एफ क्या होता है? एफ इज के ए इधर भी और के ए इधर भी एंड एफ इज जीरो। x is 0, a is 0, तो ये फोर्स की भी बात हो गई। ये अगर डायग्राम कॉपी कर रहे हैं तो कर लो आप, ये डायग्राम कॉपी कर लो। तो ये क्या है? समरी ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन। ये वेलोसिटी की वैल्यू है, ये एक्सेलरेशन की वैल्यूज है और ये फोर्स की वैल्यू है। एक बार फिर से रिपीट करता हूं आपके सामने, ओके। देखो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, व्हेन एक्स इज जीरो, यानी पार्टिकल इज इन पोजीशन, यानी पार्टिकल कहाँ पे है? मीन पोजीशन पे, यहाँ पे सेंटर पे। तो ए विल बी माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू एक्स के बदले जीरो रखेंगे तो जीरो, तो ए इक्वल टू जीरो। दैट मींस ए मिनिमम इज जीरो, ए मिनिमम कैन यू सी इज जीरो एट द मीन पोजीशन। ओके, व्हेन एक्स इज प्लस और माइनस है, एट एक्सट्रीम पोजीशन ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू प्लस माइनस है, यहाँ पे एक्स के बदले प्लस और माइनस है लिखना है, तो ए विल बिकम माइनस और प्लस ओमेगा स्क्वायर। देयरफॉर ए मैक्स इज ओमेगा स्क्वायर, तो इसका राइट हैंड साइड पे आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, बट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड होगा ओमेगा स्क्वायर ए। मैग्नीट्यूड क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर ए। एफ इज एम ए, तो एफ मैक्स इज एम इंटू ए मैक्स, बट ए मैक्स इज व्हाट? ओमेगा स्क्वायर ए, तो एम इंटू ओमेगा स्क्वायर ए, बट एम ओमेगा स्क्वायर के बदले
मुझे ओम मिस्त्री ने ब्यूटीफुल आंसर दिया था कि उसके बदले के लिख रेस्पॉन्स का जीरो एक्सेलरेशन पर एक्सपेंस का वैल्यू ध्यान रखो क्या होता है जहां पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है ऑलराइट जहां पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम वहां पे फोर्स मैक्सिमम तो ये हो गया सिचुएशन आई एम गोइंग टू आस्क क्वेश्चंस ऑफ मैं बोलूंगा वी मैक्स वी मिनिमम ए मैक्स ए मिनिमम एफ मैक्स एफ मिनिमम मिनिमम सबका जीरो होता है नया फॉर्मूला तो है नहीं ओके लेट मी आस्क Vedanti, oh Vedanti, Vedanti है ना क्या नाम है उसका V से सर वैष्णवी हाँ वैष्णवी वैष्णवी sorry I'm sorry वैष्णवी what is A max is equal to minus omega square IA नहीं मैग्नीट्यूड बोल व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम एक्सेलरेशन खाली एक आंसर देने का बोलने का सर ओमेगा स्क्वायर है क्या आंसर माइनस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ए मैक्स इज ओमेगा स्क्वायर ए खाली इतना बोल बस ओके मुर्तजा ओ मुर्तजा व्हाट इज वी मैक्स वी मैक्स रोशनी रोशनी क्लास में रोशनी डालो सबके बीच में ए मैक्स वी मैक्स एफ मैक्स तीनों आंसर दो सबको रोशनी डालो थोड़ा सब सो गए हैं Sir, A max will be omega square A, V max will be, F max is K, and V max will be omega A. That's right. Kitna easy answer, Roshni, you're really good. I like that way of answering. Ab hum badhte hain agal. Mujhe saare answer kiye class mein. I do not want, first of all, those students who say, oh, sir, wapas question puchho. I really hate that. ओके अब हम बढ़ते हैं आगे एक नया क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन ऐसा है कि अगर मैं आपको बोलूं कि व्हाट इज फेज ऑफ एसएचएम एंड व्हाट इज इनिशियल फेज बिफोर दैट एक और कर लेते हैं छोटा सा क्वेश्चन देखो वी नो इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर But magnitude of acceleration we can say is omega square x. We also know k upon m is omega square. So here omega square will be a upon x. ये अलग situation. अब कहीं समझो. Omega will be what? Root of a upon x. यहाँ पे omega क्या होगा बोलो? Omega will be root of what? Anyone? K upon m. Wow. And what is period of formula with omega? Anybody knows the formula of T with capital T with omega? Formula? Bhargesh? Oh, Bhargesh! T? Yes, sir. Yeah, formula T or omega in which way? Sir, T is equal to 2 pi upon omega. My God, superb answer. I like that answer. That is 2 pi. Or therefore, t equal to 2 pi root of x upon a. Or yahan pe dekho, t equal to 2 pi by omega. That is 2 pi upon root of k by m. And therefore, t equal to 2 pi root of m by k. Ye dono values generate. Isme bahut sare problem aate hain t proportional to root m ke upar. K is force concept. तो ये तो बहुत इजी है ए को लो माइनस ओमेगा स्क्वायर x मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन को लो ओमेगा स्क्वायर इज a बाय x ओमेगा इज रूट ऑफ a बाय x व्हाट इज t 2 पाई बाय ओमेगा दैट इज 2 पाई रूट ऑफ a बाय x 2 पाई रूट ऑफ x बाय a k बाय m इज ओमेगा स्क्वायर ओमेगा इज रूट ऑफ k बाय m t इज 2 पाई बाय ओमेगा 2 पाई रूट ऑफ m बाय k t प्रोपोर्शनल टू रूट m
दिस यू शुड नो द फॉर्मूला. उसके बाद में हम लोग देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय फेज ऑफ एसएचएम. व्हाट डू यू मीन बाय फेज. सभी लोग नोट्स लिखेंगे ना तो बहुत मजा आएगा. आप लिख के पढ़ाई करो, यू विल बिकम वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट. नोट्स आपके पास है, नोट्स में से देख के या एक बार क्लोज करके आप बनाइए नोट्स अपने. We know equation of displacement, x cancel hai, a sine omega t plus delta. So remember in this quantity omega t plus delta, ye quantity isko bolte hai phase. Isko bolte hai phase of SHM. The quantity omega t plus delta measured in radians is called phase of SHM. It's called phase of SHM. What this quantity represents, you know, it represents state of vibration of the particle performing SHM. But Marge hai ki nahi, Marge Sheikh? Oh, Marge, are you there? Marge nahi hai kya aaj? Okay. So it represents state of vibration of the particle performing SHM. You will ask me, what do you mean by state of vibration? State of vibrations means position and direction of motion. Position and direction of motion. So, इसमें मैंने खाली आपको कोई बोला है ना, what do you mean by phase? तो पहले बोल लेंगे the quantity omega t plus delta. Measured in radians is called phase of SHM. Conan, which quantity represents phase of SHM? Conan? Yes, sir. Bolo. Which quantity represents phase of SHM? ये मतलब आधी आधी खोई रहती है एकदम. विधि भट्ट. Vidhi Bhatt, which quantity? Omega t plus delta. खत्म. अभी तो मैं कर रहा हूँ जो पूछ रहा हूँ कर रहा हूँ वो पूछ रहा हूँ और कौन है तुम पूरी तरह से बेहोशी की हालत में लेक्चर अटेंड करती हो. I don't like that. And it represents state of vibration of the particle performing SHM. State of vibration means position and direction of motion. Okay? ये पता होता है ना तो पार्टिकल कहाँ है वो पता होता है. उसके बारे में हम प्रॉब्लम में समझेंगे. फिर अगला आता है इनिशियल फेज. इनिशियल फेज का दूसरा नाम है एपॉक. इसको जनरली फाइव से रिप्रेजेंट करते हैं. फेज को फाइव से रिप्रेजेंट करते हैं. बोलते हैं ओमेगा टी प्लस डेल्टा. इसको फाइव जीरो बोलेंगे. तो रिमेंबर अ क्वांटिटी which describes state of vibration of the particle performing SHM at the start is called initial phase. It's called initial. Khali state of vibration bolenge to that is phase, but state of vibration at the start will be called as initial phase. Matlab particle ne kahan se start kiya agar wo pata hai to initial phase humko pata hai. Or delta or epoch pata hai. Now let us understand what is phase performing.